आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आजमगढ़ जिले के अरोला थाना क्षेत्र के फुलवरिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास आज दिन गुरुवार को भोर में माहुल चौकी के अंतर्गत जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी नदीम पुत्र सईद निवासी रुपईपुर थाना अरोला पुलिस के ऊपर फायर करके भाग रहा था, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं हमारा संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। थाना अरोला अंतर्गत सरकारी शराब के ठेके से शराब के सेवन से हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा कल रात्रि में एक अवैध शराब फैक्ट्री संचालित होते हुए पकड़ी गई थी। ये फैक्ट्री मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी। यह रुपईपुर गांव का रहने वाला है। यह व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके ऊपर DIG आजमगढ़ महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 4:45 बजे सुखीपुर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया, जहां वर्तमान में इसका उपचार चल रहा है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है, लाइव राउंड और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 42/22 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरोला पर पंजीकृत किया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है किस प्रकार से इसके द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और किन किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी। इन सारी चीज़ों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इससे जो लाभ अर्जित हो रहा था उससे किस किस को लाभ पहुंच रहा था, इसके बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में यह 5 मुकदमों में वर्तमान में वांछित था, जो 5 मुकदमे इस घटना के संबंध में थाना अरोला और फूलपुर में दर्ज किए गए थे। 3 लोग और जो 50,000 का जिनके ऊपर इनाम घोषित है वो वर्तमान में फरार चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश में उनकी गिरफ्तारी के लिए फील्ड में निकली हुई है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।